ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர், ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ். புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோய் உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும். லிக்கர் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த். மது அருந்துதல் உடல் நலத்துக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். इवनिंग 7 o'clock से तुम जैसे 6 भाई लोग अप्रूवर बन चुके हैं। पुलिस ऑफिसर है सर, वो खूनी है, गलती कर रहा है। आज एक दिन में 9 लोगों का एनकाउंटर किया है सर। क्यों ऐसा हो गया है? किसी को ढूंढ रहा है सर। किसको? ये उसको खुद भी नहीं पता। तुम सब से डर के अप्रूवर बनकर अंदर जाना चाहते हो? इधर कोई उसको चुनौती वाला वीडियो रिलीज कर चुका है। क्या रे? एक दिन में 9 लोगों को एक साथ ठोक देने से खुद को बड़ा हीरो समझने लगा है येड़ा साला। मेरे पास आबे, मैं भी तो सुख
सुपारी लेने वाला आदमी है तेरे को चैलेंज करता है। हाँ मुझे छू कर दिखा। अरे सर शायद धंधे में नया आया है। अच्छा फसल मार डालेगा देखेंगे। रात भर बचा तो। यहां क्यों आया? चलो वापस आओ। अरे अज्जा रे तू काहे को बीच में पड़ रहा है? तुझसे मिलने थोड़ी ना है। अमर सिंह का बर्थडे है ना उसके लिए आया। चल हट। क्या हुआ? अरे भाई ये खुद को शाना समझ के साला कमिश्नर को चुनौती देके यहां पे आया और वो कमिश्नर आज के दिन में 9 लोगों को टपका चुका है। इसको ढूंढते हुए जाएगा, हम सबको ठोक के जाएगा। भाई मौत के डर से बर्थडे पार्टी में आ गया है। जाता हूं। मैं तो आप ही के भरोसे आया था। अभी मैं यहां से जाऊंगा वो मुझे मार देगा तो भाई की इज्जत की तो चलो चलो। भाई भाई जाने दो उसको। अरे कमिश्नर इधर आएगा भाई मत रोको। जाने दो भाई। गेट बंद करो। मैं भी देखता हूं कौन आएगा। Thank you.
सरदार साहब अभी रवाना होने वाले हैं ग्रीन डे को। तो आपका मतलब है ये एनकाउंटर्स सेल्फ डिफेंस में हुए हैं? दैट इज वॉट यू गोइंग टू से टू मी। आप सबका हुलिया देखकर तो लग रहा है शायद मेडिकल सर्टिफिकेट भी रेडी है ना? ये क्या है? इस एनकाउंटर पर मुझे शक है, सीबीआई से जांच के लिए लिखा है। मैडम, अगर आप लोगों को सही सलामत इस रूम से बाहर जाना है तो जो मैं कहूं वही रिपोर्ट में लिखो। हाउ डे यू, जानते हो कौन है ये? इन्हें यहां से मैं लेकर जाऊंगा, अगर हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। आदित्य, ये गलत है, थप्पड़ मारना गलत है। हमने लोगों को उड़ा दिया, थप्पड़ मारना गलत है। ऑफिसर्स ऑन योर मार्क। मारो तो ह्यूमन राइट्स वाले आते हैं, उनको ही मार दिया तो कौन आएगा पता नहीं। साइन कीजिए इस पे। और दो ब्लैंक पेपर्स पे साइन करवा लो, मैडम को बार बार आना ना पड़े। उनको छोड़ेंगे नहीं मैम, इनको दिखाना पड़ेगा कि हम लोग भी कौन है। किसे कॉल कर रहे हैं आप? एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। वेट, इनको मैं आईपीएस के ट्रेनिंग डे से जानती हूं, इन्होंने मुझे पहचाना तक नहीं। ही इज अ टोटली डिफरेंट पर्सन नाउ। सुना है ही इज मेंटली डिस्टर्ब्ड। पिछले नवंबर दिल्ली से मुंबई उनके सेंड ऑफ के फंक्शन में मैं भी थी। ही वॉज विद हिज डॉटर। दरबार जो गैंग लीडर उसका मैं लीडर, बिल्ला जो कहलाए मर्दों में जो पहला है, आंखों में लक्ष्य मेरा उंगली में ट्रिगर। लपड़ा किया तो जान होगी हवा में, ना होगा फिर असर दुआ में दवा में। रहो में जो अगर अकेले कोई भिड़ेगा, आएगा नजर वो लोखन के तवा में। सबका प्यार है ये सुपरस्टार है, यहाँ का किंग हूँ किसी से पूछ ना। मुझे सावला रंग है, शेर ये दबंग है, बिना है आतिशी किसी से पूछ ना। मुझे बच के बरखुरदार मेरा है ये दरबार जो गैंग नीडर।
लीडर उसका मैं लीडर पिल्ला जो कहलाए मर्दों में जो पहला है आंखों में से टेक नांदांडा लाड கனகல சகல தாபிரகல நம்ம அண்ணா அவள் மிட்டாளர் கத்துச்சுக்கோன பஜாதே முழு விகடாதோ பிரிச்சுக்கா கியா பரோசா கானுக்கு நீச்சை பெட்டா நசடாதே கிளி सजे स्टाइलो स्टाइल वाके झलक बजे विजलो विजल और दम जहां में रहे चर्चा तेरी दुनिया में धूम मचे माइलो माइल कर जो खुद पे होगा नहीं एतबार मिलेगा ना मौका घड़ी घड़ी बार बार कड़ी मेहनत को यार तेरा बना ले दिल मगमल में पाओ में होगी बहार लफड़ा किया तो जान होगी हवा में ना होगा फिर असर दुआ में दबा में राह में जो अगर अकेले कोई भिड़ेगा आएगा नजर वो लोखन के दबा में सबका प्यार है ये सुपरस्टार है यहाँ का किंग हूँ किसी से पूछ नब देख ली सबला रंग है शेर ये दबंग है विदा है आतिशी किसी से पूछ नब देख ली बच के बरकुरदार मेरा है ये दरबार बिल्ला जो कहलाए मर्दों में जो पहला है गिली गड़बड़ मत कर जरा हट कर उसे जगा दे राज समझ कर तुझको न बजा दे मुड़ बिगड़ा दो फिर उसका क्या भरोसा कान के नीचे कट्टा न चटा दे सबका प्यार है उसे जगा दे ये सुपरस्टार है नप दे किली सी यू आदित्य थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माय प्लेजर सर आई नो यू एंजॉयिंग द पार्टी बट व्हाट आई हैव टू शो यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको देखो 27 साल पहले ये मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड हुआ करता था तब उसने 13 पुलिस वालों को जलाकर राख कर दिया वो फिर मुंबई से फरार हो गया और पुलिस कुछ नहीं कर पाई उस हादसे के बाद लोगों में मुंबई पुलिस के लिए जो इज्जत थी वो खत्म हो गई लोग पुलिस के सामने उनका मजाक उड़ाते और हंसते थे पुलिस की वर्दी पहनना शान नहीं अपमान मानने लगे थे और इस वजह से पुलिस फोर्स में वैकेंसीज होने लगी और हमें मजबूरन अनफिट लोगों को पुलिस फोर्स में रिक्रूट करना पड़ा इससे हमारी पुलिस फोर्स भी वीक हो गई और ड्रग्स और विमेन ट्रैफिकिंग बढ़ता गया टू बी प्रिसाइज 10 बच्चों में से 2 आज ड्रग्स लेते हैं और कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स काफी नहीं है We will detox it, sir. Aditya, तुमने जो पंजाब में काम किया था दैट वॉज वेरी गुड इट वॉज वेरी इंप्रेसिव अब हमें यूथ को वापस पुलिस फोर्स में भर्ती करना है और ड्रग्स को बिल्कुल मिटा देना है Yes, sir. And you're the right man for this job. I'm honored, sir. अब मुंबई जाइए और वहां के नए कमिश्नर की जिम्मेदारी लीजिए आई विल डू इट सर सर आपको तो पता है ऑन फ्री कंडीशंस एक बार मैं गया बीच में नहीं आऊंगा किसी को छोड़ने बोलोगे नहीं छोड़ूंगा और काम हो जाने तक दाढ़ी नहीं बनाऊंगा आई नो आदित्य बट प्लीज बी केयरफुल यस उस दिन के बाद आज ही मुलाकात हुई है लगता है उन्होंने मुझे पहचाना तक नहीं हाल ही में उनकी बेटी गुजर गई मैडम व्हाट उनकी बेटी hmm.
थैंक यू, थैंक यू, वेलकम सर, आइए सर। सर हम दोनों भी तमिलनाडु से सर। ओ मैं कल्लाकुर्ची डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा 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 अच्छा। आई एम प्रसाद फ्रॉम चेन्नई सर। ओके ओके, यनाचुकुप्पम कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट। ओके। कितने साल से आप सर के साथ काम कर रहे हैं? अरे साल नहीं, सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन उनसे 1 लाख ज्यादा सैलरी लेता हूँ। तब तो बढ़िया है, उनसे 1 लाख ज्यादा। एग्रीमेंट में तो ऐसा ही है, पर हाथ में कुछ नहीं आता। वो जो खड़ी है ना, वो लड़की सर की बेटी है, उसी ने मुझे काम पे रखा है। सर की वॉच देख रही है? हाँ। सर की हार्ट बीट कभी भी बढ़े नहीं, ये देखना मेरा काम है। अगर कभी बढ़ गई तो उसके पॉकेट में मोबाइल है, उसमें मैसेज चला जाता है। Why? वो क्या है ना, मेरा अकाउंट डिटेल पासवर्ड उनके पास है। सर जब भी गुस्से में होते हैं तब मेरे अकाउंट से 5,000 रुपए उनके पास चले जाते हैं, और जब खुश होते हैं तो उनके अकाउंट से 10,000 रुपए मुझे मिलते हैं। वाह सुपर। क्या सुपर, जब भी देखो ये आदमी गुस्से में ही रहता है। अब तक मेरे अकाउंट से उस लड़की के पास 60,000 जा चुके हैं। बाप और बेटी दोनों मिलकर ऑनलाइन गैम्बलिंग खेल रहे हैं। हंसेंगे एक दिन। अच्छा लड़की हंस रही है, यू मैरिड? वो चेन्नई में मैंने बड़ा घर खरीदा है, सर भी आ रहे हैं गृह प्रवेश में, अगर आप भी वहाँ आ जाती हैं तो हम साथ साथ प्रवेश। अरे सुनिए सुनिए सर, माय सेल्फ रोहित कुमार, दे आर माय कलीग्स। हाय। इज एवरीथिंग ऑल राइट इन द सिटी सर? வந்தலிருந்து பாக்குற எல்லா முகத்திலும் டென்ஷன்ஸ் எல்லாமா வேண்டாம சொல்லி ஒரே கன்ஃபியூஷன், என்ன விஷயம்? யூ ஆர் ரைட் சார், நீங்க வந்ததும் வராதுமா எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியாம, இன்ஃபேக்ட் நீங்க ஈவினிங் தான் சார்ஜ் லெனே வாலி. கோயி நீ பதாயே சார், அபி 1 ghante பேலே சிட்டி மே காலேஜ் கி 3 லடக்கியா கிட்னாப் ஹோ கயி ஹை, ஜிஸ்மே டிப்டி சிஎம் கி பி பேட்டி ஹை. பார்ட்டி சே கயி ஆ ரஹே தே சார், வோ டிப்டி சிஎம் கி பேட்டி ஹை, ये जाने बिना रैंडमली किडनैप हुआ है सर। ओके चलिए डीसीएम रेसिडेंस चलते सर। टेक द चार्ज सर। आई एम ऑलरेडी इन चार्ज। तेजस्विनी देसाई आपकी बेटी है, पूजा गुप्ता, नेहा चोपड़ा, ये दोनों बचपन से ही उसकी दोस्त थीं या स्कूल कॉलेज में उसके साथ थीं? ऐसा कुछ नहीं है, वो फ्रेंड्स कैसे बने ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो गई थी, घर भी आते रहते थे। अच्छा। उन लड़कियों के घर पे बात की? मेरी बेटी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की बेटी की फ्रेंड कैसे बनी पता नहीं, वो तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मेरी बच्ची तो 10th में स्कूल टॉपर थी। यूएस में स्टडीज, बीच में थोड़े दिन के लिए ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर में थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 3 महीना से फिर से ड्रग्स लेने लगी थी। जैसा आपने कहा, उसके बैग में एक बार पाउडर जैसा कुछ दिखा था। ओके। मेरी बेटी को ड्रिंक से नफरत है, वो अपने पापा को भी मना करती है, उसका ये हाल ड्रग एडिक्ट्स के जैसा मैंने तो कभी नहीं देखा। मैम ड्रग्स कई तरह के होते हैं, कुछ ड्रग्स बहुत शांत कर देते हैं और कुछ ड्रग्स बहुत हाइपर और एनर्जेटिक कर देते हैं। अंकल कभी कभी सुबह सुबह उसके नाक में कुछ सफेद रंग के पाउडर जैसा देखा है। कोकेन। एक्सक्यूज मी सर, नए शू का बिल मिला है सर, कल सुबह का है, एडिडास शूज। उस शोरूम को कॉल करो। यस सर, कल 11 o'clock। लड़कों का शूज या लड़कियों का शूज? यूनिसेक्स है सर, कोई भी पहन सकता है। शूज का साइज क्या था? 11 inch शू। मैडम आपकी बेटी का शू साइज क्या है? 7। ऐसे ही लेकर गए थे या गिफ्ट रैप करवाया था? उस पे क्या लिखवाया था? सिर्फ अपना नाम लिखवाया था सर। उस गिफ्ट रैपिंग पेपर का फोटो लेकर भेजो। ओके सर। Thank you.
इंडिया सिटी में 4 डीलर्स हैं, 800 डीलर्स, उनमें से किसी एक ने कल बर्थडे मनाया है, उसको ढूंढो। यस सर, यू आर करेक्ट। माटुंगा कैलाश, कोकेन डीलर, बर्थडे मना रहा था। लेकिन वो रहता कहाँ है ये किसी को नहीं पता। माटुंगा के सारे वाइन शॉप्स में पता लगाओ, उस एरिया की सारी बेकरीज को कॉन्टैक्ट करो, उसके नाम से कोई बर्थडे केक खरीदा गया है क्या पता लगाओ। सर, माटुंगा के प्रोस्टिट्यूशन केक शॉप में कैलाश के नाम से केक ऑर्डर हुआ था। सर, इतने बड़े माटुंगा में हम उसे कैसे ढूंढेंगे? टोटल 650 सर। चेंज रख लो विकी। सर, मेरा नाम कैसे पता सर आपको? मैंने आपसे फोन पे बात की थी। यस सर, यस सर। कल जहां बर्थडे केक डिलीवर किया था वो घर, वो दिखाओ। ओके, ओके। बैठो बैठो। ऊपर फिफ्थ फ्लोर, तुम लोग यहीं रुको, 10 मिनट में मैं उस खिड़की पे दिखा तभी ऊपर आना। ओके? पे तो सर आने वाले थे, यहां तो कोई और है। आ गए सर, देखा, अब अपने शुभ चरणों को बाहर निकालो, उतरो। अरेस्टर, गर्च डाला। सॉरी, आपकी बेटी यहाँ नहीं, यहाँ कोई दूसरी फैमिली है। अरे तुम तो बड़ा बर्थडे सुसाइड सुसाइड बार बार फोन कर रहे थे। मुझे भी वही लगा था, बहुत सारे ग्रुप इंडिया में लड़कियों को किडनैप कर रहे हैं, उनमें से एक होगा। पकड़ लेंगे सर। अबे 36 MLAs है मेरे पास, सरकार हमारे सपोर्ट से चल रही है, इस स्टेट में जो कुछ करना चाहो कर लो, जो परमिशन चाहिए ले लो, मार डालो किसी को, खत्म कर दो, मुझे मेरी बेटी चाहिए। यस सर, यस सर, इतना काफी है सर। मेरे ऑर्डर्स मिलने तक इनको हमारी जगह पर सेफली रखो। और तब तक थोड़ी क्लीनिंग की जाए। गेट रेडी फॉर अ मेजर ऑपरेशन। पुलिस इज नॉट अ जॉब, it's a service. We live to protect, we die to serve.
सर, आपकी बेटी मुंबई में तो नहीं मिली, नासिक पुणे साइड कहीं ले गए होंगे शायद। वैसे मुझे गोवा का भी डाउट है। अरे वहां के सीएम से मैं बात कर लूंगा, किसी के भी पांव पड़ लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फोन पास में ही रखिएगा, सोइएगा मत। हाँ ठीक है ठीक है। आदित्य अरुणाचल। सर, एक पुलिस टीम स्काई पैलेस होटल में जब रेड करने गई तो वहां 6 लड़कियां ड्रग्स लेकर अनकॉन्शियस पड़ी हुई मिली, सिर्फ 13 साल की बच्चियां। उस होटल के ओनर विनोद मल्होत्रा का बेटा अजय मल्होत्रा, उसने हमें रेस्क्यू करने नहीं दिया। हमने कोशिश की तो उसने अटैक करना शुरू कर दिया। 3 पुलिस वालों को हेड इंजरीज हुई है सर, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। सर, ये विनोद मल्होत्रा की जगह है, थोड़ा केयरफुली डील करना पड़ेगा। बच्चों, ना ये खिलौना है और ना ही मैं शरीफ पुलिस वाला। अगर कोई 1 इंच भी हिला तो हवा में गोली चलाना, पैर पे गोली मारना, ये सब नहीं होगा। कंधा घुटना ये सब मैं नहीं जानता, स्ट्रेट हार्ट पे आउट। देकर बर्बाद कर दिया सर, छोटी बच्चियां हैं। सर, ये विनोद मल्होत्रा का बेटा अजय मल्होत्रा है। सुनो कमिश्नर, मुझे अगर हाथ भी लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। अभी नहीं, पैर भी लगाऊंगा। बेटा, अपनी चप्पल निकाल के इसके मुंह पे मार। और साले को, और मार, और मार, और मार। अगली पिटाई तेरे बाप की होगी, ले जाओ इसे। गलत कर रहे हो, तुम जान कर रहे हो कौन हो। We go now round the bar। अजय मल्होत्रा ने जो बच्चियां सप्लाई की हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी पुलिस के हवाले कर दो। मुंबई पुलिस द्वारा किए गए बहुत ही अहम ऑपरेशन में मुंबई, पुणे, नासिक जैसे महाराष्ट्र के बड़े शहरों में जिन लड़कियों को किडनैप करके जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में ढकेला गया था, उन्हें रेस्क्यू करके फिर से अपने परिवार वालों के साथ मिलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में जाने माने बिजनेसमैन विनोद मल्होत्रा के बेटे अजय मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने सनसनी फैला दी है। मुंबई सिटी कमिश्नर आदित्य अरुणाचलम के इस अभियान की पूरे देश के लोग प्रशंसा कर रहे हैं। झुंड के झुंड में लड़कियां देख रहा हूं, मेरी बेटी कहां है? आप ही की बेटी को ढूंढ रहे हैं सर, ढूंढ लेंगे सर। हर बात तुम यही बोलो। पूरे
महाराष्ट्र से एक ही रात में 2586 लड़कियों को बचाया गया, जिसमें 7 साल की बच्ची से लेकर 38 साल की महिलाएं हैं। माँ बाप से दूर हुए उन लोगों को उनके परिवार को सौंपा जा रहा है। But still, Deputy CM's daughter is missing. One minute. Get the girls. अब तक छुपा कर रखा था। इनफैक्ट अपहरण के 2 घंटे के अंदर ही सबको बचा लिया गया और इस सिचुएशन का फायदा उठाकर वी वे एबल टू रेस्क्यू नियरली 2600 गर्ल्स। इन दिस ऑपरेशन 3 मेन आर इन कैजुअलिटी और 2 पुलिस वाले अभी भी आईसीयू में हैं। वी थैंक एवरीवन हु वर इन्वॉल्वड इन दिस ऑपरेशन। வரல அடிபட்டதுக்கு குளுக்கோஸ் ஏத்தனான்றான் டாக்டர். சுழட்டி அடிச்ச எங்க அப்பாவே சும்மா இருக்கிறப்போ உங்க வரலுக்கு எப்படி அடிபடுச்சு? என்னமா இப்படி சொல்லிட்ட? இவ்வளவு பெரிய கன்னு டப்பு டப்புன்னு எவ்வளவு ஷூட் பண்ணிருக்காரு, அதா விரல் இப்படி ஆயிடுச்சு. சுமாருங்க சார், அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாதுமா. ஜீப் டோர் சாத்தும் போது கை உள்ள விட்ட. போலீஸ் ஆபரேஷன் அப்படிதாமா, சண்டேல கிளியாத சட்டை இருக்கா? சார் லடாய் ஆப்னே கி ஷர்ட் மேரி கியூ ஃபட்டே, யே தோ கலத் ஹை. ஓகே பா, ஆகே கியா? இஸ்கே ஹாத் மே தோ பட்டி லக் கயி, அப் தேரே ஹாத் மே மெஹந்தி லகேகி. மெஹந்தி லக? யூ மீன் ஷாதி? எஸ். अप्पा, मैं आपको बोल चुकी हूँ, आपको इस तरह अकेले छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप भी शादी कर लीजिए अप्पा, ये मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ। बेटा, पहले तुम शादी कर लो, फिर मैं भी कर लूंगा, मेरा क्या है। मैं तो जब चाहूँ यू 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 करके किसी को भी पटा लूंगा। कौन आप? या ड्यूटी के अलावा किसी लड़की से टाइम भी पूछना पड़ जाना तो कांपने लगता है। मेरी स्कूल टीचर से बात करने में ही पसीना आ जाता था, तो खुद ही सोच लो। हेलो, डर मुझे वो पुरानी बात हो गई, अब तो मैं सख्त लौंडा हो गया हूँ, वरना ऐसा क्या। हाँ। okay. सुनिए, अब पिघल मत जाइएगा। हाँ। वरना बाढ़ आ जाएगी लड़कियों की। अप्पा उधर देखो, उस लड़की के पास जाकर आप बहुत सुंदर हैं ये बोलकर दिखाओ। बोल दिया तो लड़का देखना शुरू कर देना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब देखती जाओ। अच्छा, अभी तक शुरू भी नहीं किया और थम्स अप। तुम्हारे पापा के पैर देखो, वाइब्रेशन मोड पे है। और टेबल पे देखो, हाथ से मैसेज टाइप कर रहे हैं। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे उर्दू नहीं आता। आप नर्स, प्लीज कम हियर। डॉक्टर से सुन, आई थिंक यू शुड टेक हिम टू ENT, थ्रोट प्रॉब्लम है, वो देख लेंगे। सुनिए, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर सुनीता से मिलिए, वार्ड नंबर 4। आई एम ऑल राइट। यू आर नॉट ऑल राइट, यू आर पेशेंट। टेक दिस टोकन नंबर 24। तुम्हारे अप्पा को टोकन दे दिया एडमिट होने के लिए, इससे पहले कि उनके थ्रोट का ऑपरेशन कर दे, उनको बचा लेते हैं। ये करने पानी छाल के गए थे जना। happens, sometime happens. बेटा, वो लड़की बहुत सुंदर थी, ऊपर से तुम लोग देख रहे थे, मैं नर्वस हो गया, पर तुम देखना अगली बार मैं उस लड़की को कैसे पटाता हूँ। देख लिया, बात करने भेजा था, पेशेंट की तरह टोकन लेके आ गए। तेरे को तो मैं देख लूंगा। इनके भरोसे मत रहो, खुद ही कोई अच्छा लड़का देख के उसके साथ भाग जाओ। अरे,
ये क्या लेडीज लोग पुलिस स्टेशन में? देखिए सर, उसे किस चीज की कमी है? ये सब जरूरी है क्या? न्यूज़पेपर, टीवी, हर जगह उसकी फोटो दिखा रहे हैं, रिश्तेदारों के फोन आने बंद नहीं हो रहे हैं। देखिए, इसे छोड़ दीजिए, केस मत कीजिए, बस अपनी फीस बताइए आप। सुनो, अभी आ गए हैं, जाओ मेरे बच्चे को ले आओ। देखिए मैडम, आपके बेटे ने गलत किया है, कोर्ट जो कहेगा हम करेंगे। कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है, बेल। बेल? यस। लिफ्ट से लेके आने वाले आपके दो कॉन्स्टेबल्स ने ये स्टेटमेंट दिया है कि रूम के अंदर से नहीं बल्कि रूम के बाहर से उन्हें अरेस्ट किया गया है। अच्छा, और उन्होंने ये भी कहा है कि लड़कियां दूसरे रूम में थी। बेल सर। अरे ये गलत है, थर्ड पेज पे राइट में जो स्टैंप होना चाहिए वो लेफ्ट में है। सर, सेम पेपर सेम पेज, राइट में स्टैंप हो या लेफ्ट में क्या फर्क पड़ता है? नो, राइट वाला स्टैंप राइट में ही चाहिए, चेंज करवा के लाइए, तब तक आपका लड़का यहां सेफ रहेगा। चलते हैं, बहुत आसानी से अपने बेटे को यहां से लेके जाऊंगा। नहीं सर, चार कॉन्स्टेबल्स को मारा है, दो लोग आईसीयू में है, छह लड़कियों का किडनैपिंग केस है, मेडिकल रिपोर्ट अभी नहीं आई, मे बी रेप केस बन जाए, लड़कियां अंडर 17 है, ड्रग्स भी दिया है, कम से कम 16 साल की जेल होगी। कॉन्फिडेंस, गुड। प्रार्थना करो कि मेरे बेटे को कुछ होना, वरना कमिश्नर ऑफिस से कोई ना कोई गायब हो जाएगा। दो पुलिस वाले आईसीयू में हैं, तुम प्रार्थना करो कि कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए। इनकी यूनिफॉर्म उतार कर इन्हें घर भिजवा दो। सॉरी सर, सॉरी, गलती। शट योर माउथ, गेट आउट। मैं जैसा कहूं वैसे एक नई रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करो, इसको अर्जेंट केस बना के वो दो तीन दिन तक बाहर ना आ सके ये देख लो। ओके, बाप बेटी ने मिलकर मुझे बीच सड़क पर खड़ा कर दिया। अब क्या करने वाले हो, बताओ तो सही। क्या कर लेंगे, धूप में खड़ा रखेंगे और क्या। मेरे पास आइडिया है ना। आइडिया? अरे रे, टेंशन हो रहा है, टेंशन कुछ कुछ हो रहा है। रुकी पाजर, रुकी। हाँ, या। राइट। हाँ, यस। ये है वो लड़की, इधर, और ये है वो लड़का, यानी मैं। कौन आप? तेरे को तो मैं देख लूंगा मैं। और ये है गोल चक्कर। अब वो लड़की चिक 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 करके जॉगिंग करके आ रही है, और वो लड़का डगे डगे करके जॉगिंग करते हुए जा रहा है। ये आ रही है, वो जा रहा है, ये आ रही है, वो जा रहा है, एकदम से रुक जाते हैं। लड़की ने लड़के को देखा, लड़के ने लड़की को देखा, वो भी देख रही है, ये भी देख रहा है, वो पास आई, ये भी पास गया। फिर आप गन निकाल लेते हो, करेक्ट, और फटाक से गोली मार देते हो। सही कहा। क्या ये क्या है, एक लड़की से बात करने के लिए एनकाउंटर जैसा प्लान बनाया? थोड़ा ज्यादा हो गया ना? थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया। सर, आपके दिल से जो निकले वही बात जाके कीजिए। ओके, एक सेकंड रुकिए। मुझे लगा ही था अपने आप को डीडीएलजे का राज समझे, गुलाब का फूल लिए घूम रहे हैं। बकवास बंद करो, ये सब छोड़ो, आप जाओ। यस, मैं जा रहा हूँ। जा। आई एम गोइंग नाउ। यू रेडी? आई एम गोइंग नाउ। सर, अब जाओ भी। मैं ये क्या कर रहा हूँ, वो लड़की क्या सोचेंगी। अच्छा बेटा, उससे बात करते ही तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दूंगा। दूल्हा चाहिए, पेपर में ऐड डलवा दूंगा। okay, और ये शादी.com, marriage.com, ये सब में भी डलवा दूंगा। ओके पा, ओके, डन। ये कार लेके जाऊं? सर, चाहिए तो शेयर ऑटो लेके जाइए। हाँ, ये लीजिए, इसे कान में लगा लीजिए। ये किस लिए? आप जो भी बातें करेंगे हमें सुनाई देगा, अब जाइए। सर्विलेंस? अरे इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस, आप जाइए ना। तेरे को तो मैं देख लूंगा तेरे को। मैं जाता हूँ। यस यस, थैंक यू। ए, पून, पून। जय गणेश, जय गणेश। सर, पहले गाना बदलिए। गणेश जी का भजन है। ऐसे भजन सुनोगे ना तो प्यार नहीं पंचामृत मिलेगा। पहले ये भजन बदलिए। यू मीन लव सॉन्ग?
एक्सक्यूज मी, रोड पे गाड़ी तो दिख नहीं रही, खामो का हॉर्न क्यों बजा रहे हो? सिर्फ कार चलाते समय ही हॉर्न नहीं बजाते, कोई पलट के देखे इसलिए भी बजा सकते हैं, वाइपर चला सकते हैं, लाइट मार सकते हैं। ड्राइविंग स्कूल की क्लास ले रहे हैं। क्या हुआ, ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं? जॉगिंग कर रहे हैं। और आप? मैं भी जॉगिंग करने जा रही हूँ। तो आइए मैं उनसे पहले आपको पहुँचा देता हूँ। जॉगिंग कर रही हूँ। कोई बात नहीं, आइए, कम ऑन कम ऑन बेबे। बेटी की जान भी नहीं बचा पाया। ड्रग्स नहीं मिलने के कारण वो चिल्लाने लगी तो घर वालों ने कमरे में लॉक कर दिया। शी कुडंट कंट्रोल हरसेल्फ। ड्रग्स के बगैर जीना बहुत मुश्किल है सर। जिनको आपने सेव किया उनमें से बहुत लोग हॉस्पिटल में वायलेंटली बिहेव कर रहे हैं सर, और सुसाइड अटेम्प्ट भी कर चुके हैं। अजय मल्होत्रा ही पूरे शहर में ड्रग्स सप्लाई कर रहा था सर। जब से आपने उसको अरेस्ट किया है शहर में ड्रग्स की सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई है। यंगस्टर्स ड्रग्स न मिलने के कारण पागलों की तरह वायलेंटली बिहेव कर रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट भी कर रहे हैं सर। सेक्रेटरी डीन रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, मैंने आप लोगों को अर्जेंटली क्यों बुलाया है यह तो आपको पता ही होगा। ड्रग्स में फंसे लोगों को अर्जेंटली आप लोगों की जरूरत है। यस सर, बहुत सारे कैंप्स लगाएंगे, विद गुड ट्रीटमेंट धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। गुड, आप लोग उन्हें ड्रग्स से दूर रखिए। यस सर। ड्रग्स को उनसे दूर मैं रखूंगा। राइट, ओके सर। टुडे 90% ऑफ ड्रग्स हैव बीन स्टॉप्ड। यू नो व्हाई? The only reason is Ajay Malhotra. Women trafficking के जुर्म में दो दिन पहले इसे अरेस्ट किया है। यही है सिटी का टॉप ड्रग डीलर। इसके अंदर होने की वजह से ही ड्रग्स बाहर नहीं मिल रहा है। Folks, अगर इसे बाहर छोड़ा तो अगले 10-15 सालों में यह बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा। So, सारे ड्रग्स केसेस इसी के नाम पे करेंगे। केस सामने रखना। 30 வருஷத்துக்கு மேல் வெளியவே வரக்கூடாது। வணக்கம், இன்றைய முக்கிய செய்திகள். சிறுமிகள் கடத்தல் வழக்கில் அஜய் மல்கோத்ராவிற்கு மும்பை உயர்நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனை விதித்து நாசிக் சிறையில் அடைத்துள்ளது. மேலும் அஜய் மல்கோத்ராவிற்கு போதை மருந்து கடத்தலிலும் खुलासा होने के बाद मुंबई कमिश्नर आदित्य अरुणाचलम ने उनसे पूछताछ करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। इस महीने तो अकाउंट में अमाउंट आ ही जाएगा। कांग्रेचुलेशन सर। ऑल आर रेडी? यस सर। सर कौन है? कौन सर? पसीना क्यों आ रहा है? फैन नहीं है ना? एसी रूम सर। वो छोड़ो, सुनो, वो थर्ड चेयर पे जो लड़की बैठी है ना, उसे क्या चाहिए पूछ कर आओ। हाँ ओके सर। ये क्या सर, आपने बुलाया क्या? नहीं तो हाँ
अभिषेक यहाँ क्यों आए होंगे? मुझे क्या पता सर, अकाउंट में अब पैसे आएंगे या जाएंगे मालूम नहीं, मैं तो फंस गया सर। कंप्लेन लिखवाने आई है। कैसी कंप्लेन, किस लिए? उन्हें लगता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है और कल से उनकी गाड़ी भी गायब है, तो उन्हें उसी पर शक है, इसलिए कंप्लेन करने आई है। तुम उन्हें लेकर आओ। यस सर। आने दो ना, उन्हें संभाल लेंगे, पर उससे पहले आप ये जरा अपने स्टाइल में चश्मा उश्मा पहनकर तैयार हो जाइए। पहन लीजिए, पहनिए ना। आपने कहा कि आपको कोई फॉलो कर रहा है, वो दिखने में कैसा था? देखने में तो स्टाइलिश लग रहा है, ना जवान कह सकते हैं ना बहुत बूढ़ा कह सकते हैं, ना बहुत गोरा कह सकते हैं ना बहुत काला कह सकते हैं। एक्चुअली चोर जैसा नहीं था, देखने में तो स्मार्ट ही था। ज्यादातर चोर स्मार्ट ही दिखते हैं। अगर आप क्रिमिनल लिस्ट में फोटो देखेंगी तो पहचान पाएंगी? हाँ पहचान लो। जस्ट गिव मी द कंप्लेंट। क्या हुआ? मुझे फॉलो करने वाले यही थे। एक मिनट। सर सिटी सिक्योरिटी के लिए ना रैंडम लोगों को फॉलो करके उनसे राय लेते हैं, आपने उन्हें यूनिफॉर्म में नहीं देखा तो इसीलिए आप डर गई। ओह आई एम सो सॉरी सर, मैंने आपको गलत समझा। इट्स ओके यार, इट्स ओके, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। बैठिए। यस आई एम सो सॉरी सर, आप शहर के नए कमिश्नर हैं, मुझे पता नहीं था। आदित्य अरुणाचलम टीवी न्यूज़पेपर में नाम पढ़ा था पर आपसे कभी मिली नहीं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई। डोंट वरी, डोंट वरी। मेरा नाम लिली है सर। स्वीट नेम। इंटीरियर डिजाइनर। ब्राइट फ्यूचर। मेरी कार डिटेल्स इसमें। इन्हें दे दीजिए। थैंक यू सर। आपको उस दिन पब्लिक ओपिनियन चाहिए था ना सिटी के बारे में? इफ इट्स ओके विद यू, हम किसी कॉफी शॉप में बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। सॉरी मैं कॉफी नहीं पीता, बचपन में गांव में पीता था, फिल्टर कॉफी और रंगा कॉफी। यहाँ जो इंस्टेंट कॉफी मिलती है मैं नहीं पीता, सॉरी। सर कॉफी शॉप का मतलब इन्हें अकेले में मिलना है और आप तो रंगा कॉफी बिल्ला कॉफी के अंदर घुसे जा रहे हैं। ओके आज मिल सकते हैं 6 o'clock। ओके देन, कंप्लेंट में मेरा फोन नंबर है, जस्ट टेक्स्ट मी। डन। थैंक यू सर। वेलकम। लगाओ मल्ली को फोन, बोल दो अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई। अपॉइंटमेंट? आप क्या डेंटिस्ट से मिलने जा रहे हैं? डेटिंग सर, डेटिंग। रोमांटिक फेस ना सही, दिल तो क्यूट है। शाहों की थाट बाट है, सूट बूट है। सिंगल हूँ मैं सुन तेरे लिए, मेरी सोनिए गा रहा हूँ तुम तेरे लिए, मेरी सोनिए। शॉपिंग सेंटर पर जिसके लिए मैं जो गया, लेडी सिंगर एक भी ना मिली, मैं रो गया। मेरे घर का कैलेंडर तमाशा जो बन जाए, वैलेंटाइन्स के भी दो पल में प्रूवन हो जाए, मल्टीप्लेक्स जाने का कोई प्लान बन जाए, कपल सीट में मूवी देखने का मन हो जाए। मेरा फेवरेट कलर येलो। फेवरेट डिश पाव भाजी। फेवरेट गेम क्रिकेट। और डांस में शीला ओनी कृष्णन। सुपर। और फिश मुझे बहुत पसंद है। ओ मछली, वो तो मुझे भी बहुत पसंद है, जैसे कि पापलेट है, रावस है, बोम्बिल, सुरमई, बांगड़ा है, सब वैरायटी मुझे पसंद है। मेरा बस चले तो एक बार में ही पूरी मछली ऐसे खा लूं, सिर्फ कांटा ही छोड़ो। रोमांटिक फेस ना सही, दिल तो क्यूट है। एक्चुअली फिश से मेरा मतलब था कोल्ड फिश, कलर फिश जो फिश टैंक में रखते हैं। ओ कलर फिश, ओके ओके ओके, ओह माय गॉड। उसको कैसे पकाते हैं? कैश पे मैं ऐश भी करूंगा, तू मुझे संभालना,
जो तुझसे मैं लड़ूंगा मैं थोड़ा शरारती तू फिर भी साथ रहना कोई खता अगर तू मुझको माफ करना तू मेरी खट्टी सी मीठी सी चाशनी मैं गुनगुनाता वो तू मेरी रागिनी ओ रागिनी बिन तेरे मैं भी अधूरा सा ख्वाब हूँ बेदी रंगों में तू जैसे दामिनी सिंगल हूँ मैं सुन तेरे लिए मेरी सोनी You can do it. Romantic face na sahi dil to cute hai. Thank you. Oh, 480. Two bacha. 240 unga share. Share 240. अपने अप्पा की शादी क्यों कराना चाहती हो? 2 साल की थी जब माँ गुजर गई। बचपन से मैंने अप्पा को अकेले ही देखा है। अगर मैं शादी करके चली जाऊंगी तो वो और अकेले पड़ जाएंगे, इसलिए सब कर रही हूँ। डोंट माइंड आप। मुंबई से कमिश्नर आदित्य अरुणाचलम आए हैं, अंदर बताइए। मुंबई से कमिश्नर अरुणाचलम आए, क्या करना है? परमिशन लेटर लाए हैं क्या? पूछो। पर्पस ऑफ विजिट? विनोद मल्होत्रा का बेटा अजय मल्होत्रा ड्रग्स और विमेन ट्रैफिकिंग के केस में यहाँ बंद है। उससे ड्रग्स लेके बेचने वालों को तो हमने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अजय मल्होत्रा ड्रग्स कहाँ से लाता था ये नहीं पता। उनका पता लगा कि उन्हें पकड़ लें तो टोटल ड्रग्स मार्केट को क्लोज कर सकते हैं, इसीलिए अजय मल्होत्रा से 10 मिनट इंक्वायरी करनी है। आपके ऑफिसर्स भी साथ रह सकते हैं। अंदर सेलफोन्स भी चलते हैं? पैसे होते ही शॉपिंग के लिए भी जाएंगे। सर, आई वॉन्ट अजय मल्होत्रा। ही इज नॉट अजय मल्होत्रा। सर, आप जिससे मिलने आए हैं ये वही अजय मल्होत्रा है। सर, आई वॉन्ट विनोद मल्होत्रा सन अजय मल्होत्रा हूम आई गॉट विद माई ओन ब्लडी हैंड्स। सर, यही तो है अजय मल्होत्रा। ए, खड़ा। कौन है तू? अजय मल्होत्रा सर, छोटी बच्ची के चप्पल से यहाँ पिटवाया था, याद है? ये हमारी जगह कह दिए, आप ऐसा नहीं कर सकते सर। प्लीज सर, छोड़ दीजिए प्लीज। आई थिंक सम कंफ्यूजन इज देयर। नो कंफ्यूजन। प्रॉक्सी, प्लीज प्रॉक्सी। अजय मल्होत्रा की जगह पैसे खिलाकर किसी और को प्रॉक्सी के तौर पर रखा हुआ है सर,
जिसने गुनाह किया वो कहीं मजे से घूम रहा हो, उसको तो दूसरे देश में भेज दिया होगा सर। सर 27 साल पहले बोरीवली की घटना के बाद पुलिस की इज्जत ही नहीं बची, सामने से सब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। इन ऑपरेशंस के बाद लोग हमें फिर से इज्जत देने लगे हैं। अगर पब्लिक को यह पता चल गया कि उसकी जगह जेल में कोई और है तो सर फिर से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। गेम खेल रहे हैं हमारे साथ। हमें भी गेम शुरू करनी पड़ेगी। सर कॉल फ्रॉम दिल्ली ऑफिस। सर आदित्य आप तुरंत दिल्ली आइए, यह अर्जेंटली आपकी जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। यस सर। जिस काम से आपको भेजा था वो हो गया है, कब लौट रहे हैं? नहीं सर, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, खत्म होते ही खुद वापस आ जाऊंगा। नहीं नहीं, दिस असाइनमेंट इज ओवर। सर मैंने पहले ही कहा था काम आधे में छोड़कर नहीं आऊंगा, ना ही किसी को छोड़ूंगा, ये सब जानकर ही आपने मुझे भेजा था। मेरे लिए क्लीन मतलब कंप्लीट क्लीन, वो लड़का जहां भी होगा उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या मुंबई सिटी के लिए मैं दूसरे कमिश्नर को लाने की सोच रहा हूं, तुम जा सकते हो। ऐसा क्या, किसको लेकर आएंगे? फोन वहां रखा है, ट्राई कर लीजिए। गुड इवनिंग, कल से मुंबई सिटी कमिश्नर का चार्ज आप ले लीजिए। उन्हें क्यों बताएं हम? दिस इज अ गवर्नमेंट डिसीजन। अभी इससे बात करो, यू माइंड योर वर्ड्स। हेलो हेलो हेलो, अब मुंबई पुलिस मेरी हर बात मानेगी, इसके बावजूद मुझे हटाने की कोशिश की तो पूरी पुलिस फोर्स स्ट्राइक कर देगी। पुलिस के बिना ये मुंबई, सोचते ही डर लगता है ना। उस लड़के के मामले में मत पड़िए प्लीज। अब उसका क्या करना है, कैसे करना है, मुझे पता है। आदित्य, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। सर उनको बोल दीजिए पुलिस के लेफ्ट से निकले, राइट से निकले, पर सामने ना टकराए। इतना बड़ा क्राइम करके भी वो प्रॉक्सी में बाहर घूम रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है। या प्रॉक्सी इज हाईली कंडेमनेबल। साउथ में मैंने एक प्रिजनर को जेल से बाहर जाते और अंदर आते देखा है। आई हैव सीन इट इन अ वीडियो। सर तुरंत 8 हायर ऑफिशियल्स की एक टीम बनाकर नासिक जेल इंस्पेक्शन के लिए भेजनी चाहिए। आई सी। ये जल्द से जल्द करना होगा। विल डू दैट। मुंबई कमिश्नर आदित्य अरुणाचलम ने यह आरोप लगाया है कि अजय मल्होत्रा ने नासिक जेल में अपनी जगह किसी प्रॉक्सी को रखा है। इसकी जांच करने के लिए सरकार ने 8 उच्च अधिकारियों की एक टीम बनाई है और उन लोगों को इंस्पेक्शन के लिए आज नासिक जेल भेजा जा रहा है। सर वो लोग नासिक जेल पहुंच गए। जेल में जो है उसका वीडियो प्रूफ सबमिट किया है। अजय मल्होत्रा की असली फोटो आई होगी। हाँ सर, यह तो बहुत ही गलत है।
दारा सिंह कुश्ती की शुरुआत में 3 बार मार खाते थे, जानते हो क्यों? सर तभी तो ऑडियंस को मजा आएगा। कुश्ती में अगर पहले मार खाओ तो दुश्मन की ताकत जानने के लिए, उसके सपोर्टर्स कौन है ये जानने के लिए, उसकी मेथड क्या है ये जानने के लिए। अब तक वो समझे नहीं कि ये दाढ़ी नहीं मेरा नकाब है। जाली पासपोर्ट, जाली डॉक्यूमेंट, जाली सर्टिफिकेट तैयार करने में तुम लोग इस शहर में सबसे एक्सपर्ट हो। इस फोटो में जो लड़का है इसका नकली पासपोर्ट तैयार करके तुम लोगों ने ही इसे विदेश भेजा है। कहां भेजा है? थाईलैंड सर। What are you guys doing? You're hitting a parked car. Oh, jeez, man. Oh, look, I'm sorry, brother. Our car's damaged also. We need to call the police. No, don't call the police. Just don't. Take. Here, take this money and go. I need the insurance. My car's damaged. Don't call the police. Just take this money. I'll buy you a brand new car. Are you drunk? Just a beer. You? Yes, sir. Which country are you from? Sir, but it's not my fault. It's their fault. They come and bang my car. It was an accident. Show me your passport. But, sir, it's not my fault. They come and bang my car. Check him. But why check me, sir? Check them. Why? It's not my fault, sir. It's not my fault. Why are you checking me? Take him to the vehicle. Sir, just take this money. Just take this money. Sir, just please, sir. It's not my fault. Amre, can you send me his passport copy, please? Yeah, I will send it down. Thank you. Anil Pawar. An Indian criminal has been arrested in Thailand for using fake passport. I want him to be deported back to India immediately. Okay, sir. Please come. Please have a seat, sir. Ambassador is in a meeting, sir. Thank you. Ava eppadi anga maatnaane enakku puriyala. Thailand la irukkira nama aalunga higher officials ellarayum contact pannunga. I want my son back. Do you all understand? हेलो, अपने बेटे को थाईलैंड पुलिस से रिलीज करवाने की कोशिश कर रहे हो? Who is this? आदित्य अरुणाचलम, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई। तुम? तुम्हारे लोग कितनी भी कोशिश कर ले, थाईलैंड पुलिस तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेगी। मैं एक रास्ता बताऊं? तुम एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात थाईलैंड गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा तो जरूर सुनेगी। नासिक जेल में जो बंद है वो तुम्हारा ही बेटा है, 8 गवर्नमेंट ऑफिशियल ने साइन करके दिया है। ये झूठ है, अगर साबित हो गया तो गवर्नमेंट ही हिल जाएगी। ये उन ऑफिशियल्स को बताओ, कांपने लगेंगे। इंडियन गवर्नमेंट को थाईलैंड गवर्नमेंट से बात करने को, वो फौरन तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। मुसीबत में हम तुम्हारी इतनी मदद कर रहे हैं। ये बात याद करके कभी कभी हमारा भी ख्याल रख लेना बॉस। थैंक यू। उस कमिश्नर ने खुद फोन करके ये आइडिया दिया है। आई एम कंफ्यूज्ड। वही पकड़वाता है और वही छुड़वाना चाहता है। कोई साजिश तो नहीं? मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर हम उसको थाईलैंड के जेल से बाहर निकाल दें, फिर तो हम उसे किसी भी कंट्री भिजवा सकते हैं। अब तक वो 8 करप्ट ऑफिशियल्स इंडियन गवर्नमेंट के पास जाकर खड़े हो गए होंगे। इंडियन गवर्नमेंट थाईलैंड गवर्नमेंट से उस लड़के को छोड़ देने के बारे में बात करेगी। वो गवर्नमेंट यहां एम्बेसी पे फोन करेगी और अजय मल्होत्रा का पासपोर्ट ओरिजिनल ही है ये बताने के लिए ये लोग अब हमें अंदर बुलाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, यू कैन गो इन नाउ। यस प्लीज कम। सी मिस्टर कमिश्नर,
I just spoke with the Thailand government. They have confirmed that the passport copy you gave and the person they have arrested are the same. There is no confusion, sir. Our Thailand police has released you. I appreciate. Nikalo chopper Nasik jail ke liye. कैसे हो सर? सब ठीक? आपको मेरा नाम कैसे? तुम ही अजय मल्होत्रा हो, प्रूव हो गया, अब क्या छुपाना? मैं तो कुछ कर भी नहीं पाया। अच्छा, तुम ये बूढ़े लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हो, ऐसा क्यों? अच्छा, वो बूढ़े लोगों को मारना बहुत इजी है सर, वो भाग भी नहीं सकते और हमको मार भी नहीं सकते। अच्छा। हाँ सर, इसीलिए उन लोगों को टारगेट करके मारने की आदत सी हो गई है। उन्हें मारना बहुत इजी है। इजी सर। बट अब गोलियां मारो और बढ़ते चलो। बढ़ते चलो। अजय मल्होत्रा वॉज शॉट डेड बाय कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई फॉर सेल्फ डिफेंस। ऑफिसर्स और प्रेस को बता दो, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को जनरल पब्लिक के सामने लाया जाएगा, ये प्रेस रिलीज दे दो। क्या देख रहे हो? ओरिजिनली मैं विलन ही हूं बेटा, ये कैसा लग रहा? पैन कापत पोई पदनेट पेर माटिकटों। बॉडी को हाई कोर्ट के जज आकर चेक करेंगे और उसके बाद आम जनता और प्रेस को दिखाने के लिए लेके आएंगे। बॉडी के जेल से बाहर आते ही सबको पता चल जाएगा ये प्रॉक्सी है। बट यू नो, प्रॉब्लम सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जिन्होंने भी हमारी हेल्प की है उन सब के लिए है। हम सब फंस चुके हैं यहाँ पर, सब के सब बर्बाद हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से। हेलो, स्पीकर पे डाल बच्चे। पहले पकड़े जाते तो प्रॉक्सी में सिर्फ तुम ही फंसते, लेकिन अब दो जज, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, होम मिनिस्टर, एक कलेक्टर, इंडिया, थाईलैंड, दो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। इंटरनेशनल न्यूज बन गई ना। इससे कैसे निकले सोचकर परेशान हो रहे हो? मैं एक आइडिया दूं, या तो सच कबूल करके सबके सब जेल के अंदर जाओ, तुम, तुम्हारा बेटा और बाकी सब, या फिर थाईलैंड से सीक्रेटली अपने बेटे को बुलवाकर सेम जगह शूट करके उसकी बॉडी को जेल से बाहर निकलवाओ। एक बड़ा है या 11, तुम ही डिसाइड कर लो। देख लो, मुसीबत में पुलिस तुम्हारी इतनी मदद कर रही है, ये याद करके कभी कभी हमारा भी ख्याल रख लेना, ओके? के बाहर खड़े हैं। भारी बारिश के बावजूद अजय मल्होत्रा की बॉडी आम जनता के सामने लाई जाएगी। हमें ये सूचना कमिश्नर के हवाले से दी गई है। जेल के अंदर जो शख्स है वो असल में अजय मल्होत्रा है या कोई और, इस बात को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है उसका खुलासा अब थोड़ी देर में हो जाएगा, जब अजय मल्होत्रा की डेड बॉडी हमारे सामने लाई जाएगी। उसके बताए हुए दो रास्तों के सिवा तीसरा उपाय कोई दिख नहीं रहा। तो आप अपनी जान बचाने के लिए मेरे बेटे की बलि देना चाहते हैं, है ना? आपके बेटे को बचाने की कोशिश में अब तक 18 लोग फंस चुके हैं। इस उम्र में ये लोग जेल तो जा नहीं सकते, इनको बचाना आपका फर्ज बनता है। देखिए, जो करना है कीजिए, बस मुझे कुछ मत बताइए। वो प्राइवेट जेट से थाईलैंड से निकल चुका है, लेकिन उसको कुछ खबर नहीं। जल्दी जो करना है जल्दी करो। अरे एक्टिंग करना तो कोई आपसे सीखे। अरे क्या सर, यहां तक लेकर आए वो तो ठीक है, ये डेड बॉडी की एक्टिंग कब तक करेंगे? कितनी गर्मी है यहां पर सर। नाइन इंचेस सर।
डेड बॉडी यानी नडिकल अंत वाला सर अजय मल्होत्रा हैज बीन शॉट डेड एंड रिप्लेस्ड கட்ட பைய हिम्मत रखिए, देखिए भाभी जी भी तो कितनी हिम्मत से काम ले रही हैं। अब पता नहीं क्या होगा, वो सबको मार कर ही छोड़ेगा। ये मेरा बेटा नहीं है। 27 साल पहले बोरीवली में पुलिस वालों को जो जलाकर भाग गया था, ये उस हरी चोपड़ा का बेटा है। साल का था जब मेरे पास छोड़कर गया था। हर साल उसे बेचता था, लेकिन अब जब वो वापस आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? सब कुछ खत्म हो चुका है। वो आएगा तो किसी को नहीं छोड़ेगा। इतने साल तुम सबका मैं लीडर रहा, इस बात की मुझे खुशी है और गर्व है। तुम में से किसी एक को मेरे बाद ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, लेकिन उसमें पुलिस से भिड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। आप में से ये काबिलियत रखने वाला यहाँ एक ही आदमी है। हरी चोपड़ा। मेरी जगह लेने वाला शख्स हरी चोपड़ा है। ये पता चला तो मुंबई पुलिस की पैंट गीली हो जाएगी। हरी, मुंबई पुलिस ने तुम्हारे बेटे को मार दिया है। नमस्ते नमस्ते। मेरी बेटी तैयार हो रही है, अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। आओ बेटा। यही है मेरी बेटी। हाय। हेलो। यू लुक गॉर्जियस, यू लुक सो प्रिटी, यू लुक सो हॉट। शादी के बाद विल मूव टू लंदन। सॉरी गाइस, मैं अपनी बेटी को अब्रॉड नहीं भेजूंगा। अगर आपको पसंद है तो अपने डिटेल्स ईमेल कर दीजिए। ओके, कैन आई हैव योर डॉटर्स नंबर? हे, बाप से ही। सॉरी गाइस, सॉरी, मेरे अप्पा की शादी हो जाएगी, इसके बाद ही मैं शादी करूंगी। ओके, क्या बंद करो ये सब। अप्पा, क्या है ये सब? ऑनलाइन मैट्रिमोनियल बेटा। इससे पहले आपको लिली को पटाना है, भूल गए आप?
ऐसी अच्छी बेटी कभी किसी बाप को मिली है क्या? हाँ वो सब ठीक है बेटा, मैं तो धीरे धीरे ट्राई कर ही रहा हूँ। ऐसे धीरे धीरे ट्राई करते तो 200 साल लग जाएंगे। जाके आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये कब बोलोगे? बेटा आज अष्टमी है और कल नवमी, उसके बाद गजनी। देखो बेटा, कल है मंडे, अच्छा दिन है, 9:30 से 10:30 बहुत ही शुभ मुहूर्त है। सुबह सुबह गणपति की पूजा करके उनके सामने 21 नारियल फोड़ के इष्ट देवता कुल देवता। भूमि पूजन के लिए जा रहे हो क्या? प्रपोज करने जैसा तो लग ही नहीं रहा। अप्पा लिली। अरे यार मर गया, टाइमिंग सही है, काम पे लग जाइए। अरे गो, गो। आ रहा हूं। तुम भी बात करो ना। हाय लिली। दोनों ही वेली है। अप्पा है क्या? यहीं पर है बेटी। हाँ हाँ मैं स्पीकर पे सुन ही रहा हूँ। आपसे मिलना है, क्या आप ऐश्वर्या मैरिज हॉल अंधेरी वेस्ट आ सकते हैं? लेकिन आज तो अष्टमी है। बोलो आ रहा हूँ। ठीक है मैं आता हूँ। ओके थैंक यू। सुपर सुपर्ब, तुम भी साथ जॉइन किया। अब रुको, सनग्लासेस पहनो पहनो, अपने स्टाइल में पहनो। पा बल्ली, इनकी तो चाल ही अपने आप में स्टाइल है। मेरा स्टाइल कैसा लगा? कट लो। हेलो, मैं विनोद मल्होत्रा बोल रहा हूँ। जी बोलिए। पापा घर पे? नहीं अप्पा बाहर गए हैं। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं ही नहीं आप सब लोग भी मुसीबत में हैं। पापा जैसे ही लौटे फोन करने को बोलो। ठीक है। थैंक यू। கல்யாண மண்டபத்துக்கு வர சொல்லிருப்பாங்க, என்ன உங்களை நம்பி லவ் பண்ணா 40 வருஷம் ஆகிடுவீங்க, அதனால தான் டைரக்டா மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க போல தெரியுது. அப்படிங்கற? ஆமா சார், சர்ப்ரைஸ் பத்திர மாதிரி சர்ப்ரைஸ் மேரேஜ். சர்ப்ரைஸ் மேரேஜா? சான்ஸே இல்ல. வள்ளி வரணும், பெரியவங்க தான் கேட்கணும். பெரியவங்களா? யாரு? போதி தர்மரியா? அவரு தான் சார் உங்களோட பெரியவர், அதான் சொன்னேன். வாடா. சத்தியம் சொல்றேன், போங்க சார். ஹலோ, வணக்கம். क्या हुआ अचानक? ये मेरे पिताजी, अम्मा, मेरे चचेरे भाई और बाकी की सारी फैमिली। लिली से आपके बारे में बहुत सुना है सर। ओ, पता नहीं अच्छा सुना यार। मुझे अभी यहाँ अचानक से क्यों बुलाया? बच्ची की चेन खो गई है, हम पुलिस स्टेशन जाने ही वाले थे, फिर आपका ख्याल आया, सोचा आपको ही फोन कर देती हूँ। अच्छा, बच्ची की चेन खो गई है, वो मैं ढूंढ के दूं। कमिश्नर। हे भगवान, कमाल है, तेरी लीला अपरंपार है। अच्छा बेटा, तुम्हारी चेन एग्जैक्टली कहाँ खोई है? वो पता होता तो मैं ही ढूंढ लेती ना अंकल, आपको क्यों बुलाते हैं? बात तो सही कह रही है। बदमाश है। बहुत इंपॉर्टेंट केस, इसीलिए तो आपको बुलाया है। वेरी इंपॉर्टेंट केस। अंदर देखता हूं। की जगह गाना गा रहे हैं। गाऊंगा तभी चेन मिलेगी, तू भी गा। 1 2 3 4। डुम 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 डुम, कोई ढोलक बजाए, कोई मगन शहनाइयों में। डुम 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 डुम, नच के धूम मचाए, शादी की इन तैयारियों में।
करती है, दिल से करती है इश्क साथिया। ओ चक करा प्यार का खरा नमक साथिया। बच्चों, पति पत्नी की जगह दोस्त की तरह रहोगे तो जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। Yes? हेलो सर, लिली का कजिन चचेरा भाई कल शादी में मिले थे। ओह यस 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 यस, प्लीज कम प्लीज कम। क्या लेंगे आप? नहीं नहीं कुछ नहीं, आई एम ओके। लिली हमेशा कहती थी सिटी कमिश्नर उसके फ्रेंड हैं, हम ही विश्वास नहीं करते थे। सर, एक्स प्रेसिडेंट के आर नारायणन सर। या 1998 की बात है। हाँ, अवार्ड मिला था। यस। तब लिली की उम्र शायद 11 साल होगी। वो आपकी डॉटर है क्या? हाँ हाँ। नाइस। लिली हमारे खानदान की इकलौती लड़की है, सबकी बहुत चहेती है। जिद पे अड़ी है कि शादी नहीं करेगी। चाचा बहुत ही परेशान है, उसकी उम्र பொறுத்தும் இல்லாம யாராவது மனசு கிணசு கலைச்சிட போறாங்களோன்னு. நீங்களும் ஒரு பொண்ணு பெற்றவர், ஒரு அப்பாவா உங்களுக்கே தெரியுமே சார். நேத்து கல்யாணத்துல கவனிச்சேன், நான் வரும்போது என் கூட 4 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரேன்னு சொன்னாங்க. நான் தான் வேண்டாம் சார், சிட்டி கமிஷனர் ஃபர்ஸ்ட் மரியாதையோட சொல்லி பார்ப்போம்னு. बढ़ती जा रही और ऐसे में कोई अनकंपेटेबल मिल की बेटी आपके जैसे किसी को लेकर आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? 6 साल का था जब मैंने अपनी मां को खो दिया। मेरी तो छोड़िए,
वल्ली की माँ उसे 2 साल के ही छोड़कर गुजर गई। उसे माँ की कमी महसूस ना हो, इसलिए बचपन से लेकर आज तक मैंने ही उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। वल्ली को आज तक जिद या गुस्सा क्या होता है नहीं पता। उसने सिर्फ एक ही ख्वाहिश की है, लिली के लिए। आपको तो पता है पुलिस का जॉब कितना रिस्की और खतरनाक होता है, क्या पता कब क्या हो जाए। कल को मुझे कुछ हो जाए तो उसका कोई सहारा होगा, ये सोचकर मैं राजी हो गया था। डोंट वरी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा। ओके, अरे आपने तो कुछ लिया ही नहीं। हाँ, इट्स ओके, थैंक यू। हे, तुम कब आई? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? वल्ली बेटा, रोते नहीं बेटा। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। मेरी वजह से कोई ऐसा गिरा होगा। नो 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 बेटा, उन्होंने जो भी कहा एक तरह से सही है। नहीं, ऐसे कैसे बोल सकता? नहीं बोल सकता कोई। मैं चली जाऊंगी तो आप अकेले पड़ जाएंगे। नहीं बेटा, रो मत, रो मत बेटा, प्लीज रो मत। प्लीज अपा, यस, बाहर चलते हैं। यस, बस आप और मैं, आप और बेटी। नो यूनिफॉर्म, नो ड्यूटी, ये सब कुछ छोड़कर। ओके, हम दोनों अकेले बाहर चलते हैं। कम ऑन, दैट्स द स्पिरिट। यस, ये मेरा टीवी चैनल का पुराना ऑफिस, अभी फंक्शनल नहीं है, फुल सेफ एंड सिक्योर। वो किधर है? अंदर, डर से कांप रहा है। भाई, अभी तक अपने बेटे जैसा बड़ा किया उसे, लेकिन वो कमिश्नर ही। बेटे को जलाया या दफना दिया? नहीं भाई, एकदम ठीक से क्रियाक्रम किया भाई, ठीक से एकदम। तेरे लिए एक गिफ्ट लाया। कम 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 कम, गिफ्ट। ओह ब्यूटीफुल, लुक एट दिस, कितना खूबसूरत है यार। इसको जैसे ही दबाकर खोलेगा ना, छाता जैसा अंदर खुल के सब कुछ बाहर निकालने के बाद ही बंद होगा। देखो, सुनो, मेरी बात सुनो भाई। भाई, जब मैं ब्यूटीफुल देखिए। नहीं नहीं भाई, मेरी बात सुनो प्लीज। देखो, आप इसको बाजू के रूम में लेकर जाओ और चाकू वापस लेकर आना, मेरा फेवरेट है। पुलिस कमिश्नर कहाँ मिलेगा? इसकी मौत के बाद पुलिस यूनिफॉर्म पहनने से हर कोई डरेगा। शाहरुख ने अपनी गाड़ी को स्टार्टर मारा। गाड़ी
शाहरुख की आवाज में स्टार्ट हो रही। हेलो वल्ली, कहाँ है आप लोग? इन्फिनिटी मॉल मलाड। सर साथ में है ना? हाँ है। सर का नंबर नॉट रीचेबल है। एस्कॉर्ट के बिना जाना नहीं चाहिए था। एक ही दिन की बात है। ओके, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। विनोद मल्होत्रा इज मिसिंग। कहाँ गायब है कुछ पता नहीं। अच्छा, सर को अभी कुछ मत बताइए। एवरी 15 मिनट्स अपना लोकेशन भेजते रहिए। ओके सर, श्योर। कंपार्टमेंट में एक 20 से 25 साल का लड़का फ्लोरल शर्ट पहने हाथ में सेलफोन लिए बैठा है। क्या देखो? फोन करती हूँ। नो नो वेट, अगले स्टेशन पे हम अकेले ही होंगे, इन्फॉर्म करो। टीवी पे भी देखा है मैं। नमस्ते। मैं अच्छा गाना गाओगी? ओह गाऊंगी। चलो शुरू करते। खुला रे बिजली जकड़ के ये शेर दाने। ए क्या रे तू बंदी कर रही है? ये कमिश्नर है यहाँ के, जरा खुल के। अखिया चमका के बॉस मेरा उठा रे, तुझको देख तेरी मौत पुकारे।
बंद तेरा करके बताएगा जटर राजा आया दरबार आज खुला रे गिजर जकड़ के ये शेर दहाड़े पापा आज सुबह मुझे एक फोन आया था विनोद मल्होत्रा किसी मुसीबत क्या हुआ चलो यार Dr. Khan, please check her. Her ear is bleeding. क्या हुआ
This looks like hemorrhage. Yes, sir. Down, down. डॉक्टर आप कैसे? कब तक होश आएगा? सर को कॉन्कशन हुआ है. इट्स अ टाइप ऑफ अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी. 5 घंटे के बाद ही विल बी कॉन्शियस. और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. नॉट टू वरी. थैंक यू सो मच. सिट डाउन. प्लीज सिट डाउन. लेकिन आपकी रिपोर्ट के बारे में कुछ प्रॉब्लम है. आपके ब्रेन में 3 जगह से ब्लड लीक कर रहा है और ब्लीडिंग भी बहुत हो रही है. 2 घंटे में यह सारा खून आपके टिश्यूज पर फैल के आपके इसे हम सबड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं. मतलब तुम्हारे साथ कोई और है? कोई घर का बड़ा या रिश्तेदार कोई है? मैं पैदा हुई पप्पा ही मेरे लिए अम्मा फ्रेंड सब कुछ है. उन्हें होश में आने में 5 घंटे लगेंगे और तुम 2 घंटे में do I explain it to you? Please take some rest. Please. I don't know what to say.
सर, ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? वो मरा कैसे? उसे मैं अपने हाथों से मारने वाला था, वो मरा कैसे? उसके धंधे में दुश्मन बहुत है सर, पहले भी तीन बार किसी ने कोशिश की थी। नो, कुछ तो गलत है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। सर, मत होइए सर, आपका रीवन खत्म नहीं हुआ है सर, प्लीज। सर, पुराने दुश्मनों में से किसी ने मारा है सर, हम पता लगाएंगे। हाँ। मेरी बेटी को कुछ लोगों ने एक्सीडेंट में मारा, विनोद मल्होत्रा को भी कुछ लोगों ने मारा, वो कौन सा ग्रुप है, कौन है, किधर है, क्या वो आपस में मिले हुए हैं या नहीं? किसी को पकड़ू 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 मेरा दिल कह रहा है, लेकिन पकड़ू किसे? कहीं भागू भागू मेरा दिमाग कह रहा है, लेकिन भाग कर जाऊँ कहाँ? उठाऊंगा उठाऊंगा मुंबई के सारे गुंडों को उठा लूंगा, उठा लूंगा। तभी से मैडम कमिश्नर सर ऐसे वायलेंट हो गए। सॉरी मैम, आपको गन पॉइंट पे रख के रिपोर्ट लिखवाई गई थी, आपको फोर्स करवा के जिन पेपर्स पे साइन करवाया था वो लेकर हम आ गए हैं, उनके ऊपर आप एक्शन मत लीजिएगा प्लीज। ये मैं डिसाइड नहीं कर सकती, मैं ह्यूमन राइट्स में वन ऑफ द ऑफिसर्स ही हूँ, कोर्ट जैसी ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं रिपोर्ट भेज दूंगी, मेरे ऊपर के हायर ऑफिशियल्स ही डिसाइड करेंगे। अगर उन्होंने एक्शन लिया तो आदित्य अरुणाचलम का काम जा भी सकता है, तब तक आप उन्हें और कोई एनकाउंटर करने से संभालिए। तुम में से एटलीस्ट कोई दो लोग तो सच बोलो, मेरी गन में सिर्फ 6 बुलेट हैं, तुम लोग 8 हो। तू बोल। सर, 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 मुझे कुछ नहीं पता सर। चुप। बात चल रही है ना, रोना है तो चुपचाप रहो। तू बोल। सर, कसम से सर, सर, हमने नहीं किया सर। तो फिर किसने किया? पता नहीं सर, पता नहीं सर। सर 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 जाने दीजिए, छोड़ दीजिए सर। ए चुप बोल। सर सर, हमें कुछ नहीं पता सर। सर, विनोद मल्होत्रा और रोशन कुमार के बीच में दुश्मनी थी सर। सर, उनके बीच में गोलियां भी चली थी सर। सर, आप पता कर लीजिए सर। ये कौन है? हमें मारने आए हो तो मार डालो, लेकिन विनोद मल्होत्रा को हमने नहीं मारा। तेरी बेटी को मारा विनोद मल्होत्रा ने, उसको किसी और ने, तेरा तो फायदा हुआ ना। अब वो कौन है ये जानकर क्या करेगा? पागल जैसा सबका इनकाउंटर करेगा। वो कमिश्नर पागलों की तरह घूम रहा है, किसने मारा ये पता करने के प्रोसेस में 13 लोगों का एनकाउंटर कर चुका है। एक्चुअली उसकी बेटी की साथी उसे मारने का सोचा था, लेकिन जब उसकी वो बेटी आखिरी 2 घंटे के लिए जिंदा थी तब तक ये बेहोश था, और जब इसे होश आया वो मर चुकी थी। गुस्से में वो विनोद मल्होत्रा को मारने गया तो वहां वो मरा पड़ा था। उस वक्त जो उसकी हालत थी, वो खुशी मुझे उसकी मौत से भी नहीं मिलती। लेकिन अब तो मर सकता है ना? ना, 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 ना। पुराने जमाने में राजा अपने दुश्मन को पकड़कर कभी मारते नहीं थे, उसकी आंखें निकाल लेते थे। मारते तो जब तक राजा रहता दुश्मन का भी नाम रहता, उसका पुतला बनता, उसी के जैसा कोई और आता। அனாதே கண்ண நோடி விட்டுட்டான், சோத்துக்கு வழி இல்லாம பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு தெரு ஓரத்துல படுத்து கிடப்பான். அவனை பார்க்கிற ஒவ்வொருத்தனுக்கு ராஜா மேல பயம் வந்து நடுங்குவானுங்க. நான் அந்த கமிஷனரோட சைரம் வச்ச போலீஸ் வண்டியை பிடுங்குறேன், கவர்மெண்ட் கொடுத்த வீட்டை பிடுங்குறேன், அப்புறம் செத்தா அது தலைப்பு செய்தி கிடையாது, 8வது பக்கத்துல उसके सभी एनकाउंटर्स उसके साथ रहने वाली पुलिस टीम कवर अप कर देती है, फिर ये कैसे होगा? दूसरों की मौत को कवर अप करते हैं, अगर
खुद मर गए तो? डॉक्टर से मिली थी, आपका ट्रीटमेंट अभी खत्म नहीं हुआ, 12 दिनों से डे एंड नाइट ड्यूटी किए जा रहे हैं, ये सब भी आपके साथ बिना रेस्ट किए। था भूल गए, ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई, पता नहीं कब खत्म होगी। पुलिस की नौकरी ऐसी ही होती है। फोन स्पीकर पे डालो। हाय शोना बेटा, रोते नहीं है, अच्छे बच्चे की तरह खाना खाकर सो जाओ। अगर आप थोड़ा रेस्ट लेंगे तो ये लोग भी। गाइस, सर इज कॉलिंग। सॉरी, मैंने तुम लोगों को बहुत परेशान किया। वल्ली के डेथ को लेकर कई सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। उसी फ्रस्ट्रेशन में आप सबको परेशान कर रखा है। आप सब घर जाइए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके कल वापस आइए। सर, आप भी घर जाके। घर पर अब रहा ही कौन है? सर, आपने कुछ खाया भी नहीं है। तुम लोगों ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया ना? मैं अभी खाना ऑर्डर करता हूँ। मेरा फोन कहाँ गया? तुम्हारे पास फोन है ना? खाना ऑर्डर करो। काफी लोगों को चोट लगी है। नहीं सर, स्मॉल इंजरी है सर। ऑपोजिट साइड 5 आदमी गए सर। सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ। ये क्या सर, सॉरी क्यों बोल रहे हैं? कल बीच सड़क पे शूट आउट किसने किया होगा? उस कमिश्नर ने पहले जिनका एनकाउंटर किया था उन्हीं लोगों ने अब काउंटर अटैक किया है। अपने पर्सनल गुस्से के कारण अंधाधुंध एनकाउंटर करोगे तो वो शांत बैठेंगे? देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट भी इनसे परेशान है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है इसलिए झेल रहे हैं। स्ट्रेस में कोई सुसाइड कर लेगा देखना, वो मेंटल हो गया है। ये लोग ऐसे ही है सर, पैसों के लिए कुछ भी बोलते हैं। पैसे खिलाएंगे तो हमारी साइड से भी बोलेंगे। ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, शूट आउट के लिए आपको सस्पेंड किया गया सर। व्हाट? नाइस, एक्सपेक्टेड। सर 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 सर, नो नो, अरुणाचलम, आदित्य अरुणाचलम। आगे से तुम्हें ये वॉच, ये मैसेज के थ्रू सैलरी, ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं सर, वल्ली ने मरने से 2 घंटे पहले मुझे
मैसेज किया था, सॉरी तुम्हें तंग करने के लिए, तुम्हारी सैलरी भेज रहे हूं और 3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिए। तुमसे बात की उसने, मुझसे तो बिना बात किए ही चली गई। आप जब ये वीडियो देखेंगे मैं नहीं जाऊंगी, आपसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। सॉरी पा, इस उम्र में आपको अकेला छोड़कर जा रही हूँ, आपको बहुत तकलीफ होगी ना। पापा आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। उस दिन विनोद मल्होत्रा ने कॉल किया था और कहा वो मुसीबत में है और हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। तब मैंने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन ये एक्सीडेंट होने के बाद मुझे यकीन हो गया है। मेरे मरने के बाद आपको लगेगा विनोद मल्होत्रा ही इसका कारण है, लेकिन नहीं पा, ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई विनोद मल्होत्रा को मार देता है तो जिसने उसे मारा है उसी ने मुझे भी मारा है। मैं नहीं हूं तो हार मत मान लेना। मेरे कारण अगर आपने हार मान ली तो उस दिन मैं सच में मर जाऊंगी। उन्हें लगता है मुझे मार दिया तो आप कमजोर हो जाओगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप वैसे ही डट के खड़े रहना, पहले से 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ। हो सकता है वो इस समय भी आप पर नजर रखे हो। उसे खत्म किए बिना यहां से मत जाना। इधर पीछे थोड़ा दर्द हो रहा है, क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा। आप मुझे बहुत पसंद हो, सॉरी सर, आई हर्ड टुडे इज योर लास्ट डे सर। सर प्रोटोकॉल के मुताबिक आप यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते। अरे पता है मुझे, चल निकल। मिस्टर आदित्य, फिजिकल फिटनेस के कारण आपको सस्पेंड किया जा रहा है, आप खुद ही रिटायरमेंट ले लीजिए, बेटर रहेगा। डिसाइड योरसेल्फ, रिजाइन और रिटायर। ऑन ड्यूटी सर। ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक कोर्ट ऑर्डर है। सर आप पुरानी न्यूज दे रहे हैं, मैं देता हूं फ्लैश न्यूज। कोर्ट ने मुझे मेंटल स्टेबिलिटी और फिजिकल स्टेबिलिटी प्रूव करने के लिए 4 दिनों की परमिशन दी है। ये रहा कोर्ट ऑर्डर। यस, बट कोर्ट ने सिर्फ 4 डेज दिए हैं। इसके अंदर फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट,
एक बार फिर से नौकरी पर लगना इस उम्र में मुश्किल है। सर, खुद पे यकीन करने वालों के लिए उम्र एक नंबर है। ये नहीं हो सकता ये आपका कहना है, ये हो सकता है ये मेरा मानना है। इट्स नॉट पॉसिबल आदित्य। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही मेरा स्टाइल है। ओके, चार दिन में फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू। मेरे मरने के बाद आपको लगेगा विनोद मल्होत्रा इसका कारण है, लेकिन नहीं पा, ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई विनोद मल्होत्रा को मार देता है तो जिसने उसे मारा है उसी ने मुझे भी मारा है। वल्ली की बातों के मुताबिक इस सब में कोई तीसरा भी इन्वॉल्व है। मेरे और विनोद मल्होत्रा के बीच में कॉमन था उसका बेटा, मैंने उसको मार दिया तो कोई तीसरा हम दोनों को क्यों मारना चाहेगा? सर आप क्यों मार रहे हो? मैंने तो इसकी बाइक ठोकी, वो बाइक आपकी थोड़ी ना थी। ओए, वो बाइक मेरी थी, इसे सिर्फ दे रखी थी, तुम्हारे झगड़े में मेरी बाइक क्यों तोड़ दी? सर मुझे कैसे पता होगा, यूज कर ले कह के उसी ने दी थी। सर, इंस्पेक्टर आलोक यादव कॉलिंग फ्रॉम एडवोकेट बैनर्जीज ऑफिस। सर, मिस्टर मल्होत्रा ने 5 साल पहले सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी थी, उनके बेटे के नाम पर कोई एसेट्स नहीं है। सर सर, इंस्पेक्टर सूरज मसीना हॉस्पिटल से। मिसेस मल्होत्रा को 2004 में गर्ल बेबी और 2007 में एक और गर्ल बेबी, मेडिकल रिकॉर्ड्स में सिर्फ यही है। एंड सर, इट्स कंफर्म दैट उनकी सिर्फ दो बेटियां हैं। कनेक्शन करेक्ट जुड़ रहे हैं। वो लड़का असल में विनोद मल्होत्रा का अपना बेटा नहीं था। मिस्टर आदित्य अरुणाचलम का री ज्वाइनिंग लेटर। या दिस वन अजय मल्होत्रा। हेलो सर, उस लड़के के स्कूल और कॉलेज रिकॉर्ड्स में डेट ऑफ बर्थ July 11, 1990 है सर। ओके, July 11, 1990। मानुष। यस सर। July 11, 1990 को मुंबई के सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैदा हुए बच्चों के पेरेंट्स की लिस्ट निकालो। अपने बेटे को पालने के लिए किसी और को देने वाला डेफिनेटली कोई भागा हुआ क्रिमिनल ही होगा, तो उसको हमारी क्रिमिनल लिस्ट में ढूंढो। बच्चों के माँ बाप की लिस्ट से 27 साल पहले भागे हुए क्रिमिनल्स की लिस्ट में से कोई नाम मैच हो रहा है क्या, चेक करके बताओ। ओके सर। सर, ADGP है, 30 साल से फरार वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट और कॉर्पोरेशन बर्थ नेम लिस्ट आपके डेस्क पर भेज दी गई है सर। यस सर, बोथ द डेटा लिस्ट आर बीइंग वेरीफाइड सर। Thank you.
drug lord and criminal mobster Harid Chopra, the man who's responsible for the police massacre in Borivali, Mumbai, and a wanted criminal since 1993 by Indian and other countries as well. He's been tracked down by Mumbai Commissioner Aditya Arunacham, and a manhunt has been initiated to arrest him. Stephen Williams, Commissioner of the London Metropolitan Police. I am Sharaban Abdullah, Secretary General of the Dubai Police Force. Police Chief from Republic of China. I am Aditya Arunachalam, Commissioner of Police Mumbai, India. We've been hunting Harry Chopra for 16 years now, but we've never been able to arrest him. And we'd like to send a counter-terrorist team to hunt him down. He is the one who brought the drugs into our country. We have been chasing him for the past 7 years. We are ready to come there to put him down. We are ready to send our force. All right, officers. We'll discuss and give you an answer. Thank you. इसके बारे में क्या सोचा है मिस्टर कमिश्नर? सर, हरी चोपड़ा इस देश की पैदाइश है। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। 27 साल पहले जो 17 पुलिस वाले उसे पकड़ने गए थे उन्हें जिंदा जलाकर भाग गया। इसी वजह से पुलिस की इज्जत मिट्टी में मिल गई। ड्रग्स, विमेन ट्रैफिकिंग बढ़ गया। अब ये उसके और पुलिस के बीच की बात है। पुराना हिसाब है। इसे हम ही चुकाएंगे। इन्हें बोल दीजिए। अब यहाँ जो भी होने वाला है उसे दूर से बैठकर देखें। Are you sure? 100% सर। और एक बात, उसने हमारे पुलिस वालों को 12 मार्च को जलाया था। आज 10 मार्च है। परसों उसी तारीख को मैं उसे खत्म कर दूंगा। मेरे लिए हमारी पुलिस फोर्स ही काफी है सर। वो मुझे ओवर कॉन्फिडेंस, दुश्मन को कमजोर समझने वाला खेल शुरू होने से पहले ही आधा खत्म। विनोद मल्होत्रा को हराकर और मेरे बेटे को मार के उसे लगा था कि उसने मुंबई साफ कर दिया। रिलैक्स हो गया। उसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपने खुद की बेटी को भी बचा नहीं सका। मुंबई पुलिस डरपोक है, फिर से बताएंगे। मैं मुंबई पुलिस पर बाउंड्री रख रहा हूं, जिसे मारना है मारो। சாவடிச்சதுக்கு அப்புறம் நெஞ்சில் இருக்கிற பேட்சும் தோல்ல இருக்கிற ஸ்டாரும் பிச்சு எடுத்துட்டு வந்தா கிரேடுக்கு ஏத்த மாதிரி பேமெண்ட். கான்ஸ்டபிள் 25 lakhs. ஹெட் கான்ஸ்டபிள் 50 lakhs. SI Inspector, 1 crore. அதுக்கும் மேல 2 crores. டீல் கொத்துக்கிட்டாவே பாதி பேமெண்ட் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருங்க. போலீஸ் யூனிஃபார்ம் போடவே பயம் வரணும். हेलो, वन मिनट सर। सर फोन सर। हेलो, सॉरी सर, कट नहीं हुआ था, मैंने ही तोड़ दिया था। सर वो मुंबई में ही है, एक दिन का टाइम दीजिए, मुझे और फोर्स नहीं चाहिए, मैं उसे पकड़ लूंगा। यस यस, मैं उसे पकड़ लूंगा, मैं उसे पकड़ लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। उसे पकड़कर चाकू लेकर उसको चक 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 उसका खून
लूंगा उसे। अभी अभी हमें ये खबर मिली है कि मुंबई पुलिस की लगातार हो रही मौत के कारण बहुत सारे पुलिस ऑफिसर ने ड्यूटी पर आना बंद कर दिया है। इस वजह से कई पुलिस स्टेशन खाली पड़े हैं और वहाँ सन्नाटा छाया है। 27 साल पहले आज ही के दिन 12 मार्च को वांटेड क्रिमिनल हरी चोपड़ा पुलिस ऑफिसर्स को बोरीवली में जिंदा जलाकर भाग गया था। क्या उसी तरह आज का दिन भी एक ब्लैक डे साबित होगा? पुलिस वालों को ये डर है। पुलिस फैमिलीज बहुत डरी हुई है सर। सर, प्रेसिडेंट जैसा कह रहे हैं, दूसरी कंट्री से पुलिस बुलाकर उसे एक ही दिन में पकड़ूंगा। उसके बाद अगर किसी कंट्री को वो चाहिए तो उन्हें हमारे पास आना पड़ेगा। ये कैसे होगा सर? क्रिमिनल को अगर पकड़ना है तो उससे भी बड़ा क्रिमिनल बनना होगा। बैठो बैठो। गुड आफ्टरनून। एक इंटरेस्टिंग घटना है। 2005 में अमेरिका की फ्लोरिडा जेल में थॉमस ग्रैमर केस था जो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। उसे टॉमी रायन नाम के पुलिस ऑफिसर ने कैदियों की मदद से सॉल्व किया। कोई भी क्रिमिनल अकेले बड़ा नहीं बन सकता, ना ही अकेले काम कर सकता है। उसके बारे में पुलिस को शायद पता ना हो, लेकिन और किसी क्रिमिनल को ना पता हो यह चांस ही नहीं। पिछले महीने मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आप लोगों को पता होगा। उससे ठीक दो दिन पहले ये फोटो देखिए। इंडियन बॉर्डर पे फेंसिंग को काटकर एक आदमी अंदर आया है। उसे लेने के लिए एक गाड़ी आई थी। ये उसके टायर मार्क्स हैं। इस टायर की चौड़ाई 10.4 इंचेस, अगले और पिछले टायर के बीच की दूरी 3119 मिलीमीटर। मतलब ये व्हीकल 8 लोगों की कैपेसिटी की एक हैवी व्हीकल है। उसमें बैठे बाकी 7 लोगों में से कोई एक आपके जान पहचान का हो सकता है। अब आप सबको एक फोन दिया जाएगा। इस तरह के काम करने वाले किसी को भी जानते हो या किसी के साथ काम किया है तो उसे फोन लगाओ। आप जिस भी नंबर पे कॉल करेंगे वो इन कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड होंगे। मोबाइल लोकेशन कंप्यूटर में आ जाएगा। फोन ऑफ हुआ तो भी लोकेशन पता चल जाएगा। आपको सिर्फ कॉल करके पता करना है। आपके कारण छोटा सा क्लू भी मिला तो आपकी सजा आधी करवा दूंगा और फैमिली से मिलने का टाइम भी बढ़वा दूंगा। ओके? पुलिस ने कैदियों को फोन दे रखा है। थॉमस ग्रामर मेथड यूज कर रहे हैं। मैं देख लू 19 फ्लोर तक हमारे ही लोग हैं। उतनी पुलिस अभी मुंबई में नहीं है। सुरेश, उसे बोला तुमने? हाँ बोल दो। हाँ, हाँ, हाँ। पड़ा लो, जीर को फोन लगाओ। बारिकार। एनी लीड? सर, इनके ट्राई किए हुए नंबर्स में सिर्फ ये 6 नंबर पिछले 36 दिनों से स्विच ऑफ है। हरी चोपड़ा के बॉर्डर क्रॉस करने से डेट मैच हो रहा है। सिम कार्ड फोन से निकाल दिया है, सो करंट लोकेशन ट्रेस नहीं हो रहा है। लेकिन 13 दिन पहले इनमें से एक ने सिम कार्ड बदल के अपने घर वालों से 36 सेकंड बात की है। उस समय सर वो मुंबई मीडिया टीवी के पुरानी बिल्डिंग में था। सर, गौर करने वाली बात है, आपके खिलाफ सारी गलत अफवाह फैलाने वाला यही टीवी चैनल है। ओ, ये किसका चैनल है? वन सेकंड सर। प्रमोद गुप्ता सर। प्रमोद गुप्ता, इसके नाम कोई पुलिस केस रजिस्टर्ड है क्या? देखो। यस सर। रिसेंटली कुछ नहीं है सर, लेकिन 48 साल पहले 12 साल की उम्र में जुवेनाइल प्रिजन बच्चों की जेल में 10 महीने था सर। उस टाइम जेल में उसके सेलमेट्स कौन थे? वन सेकंड सर। उसका एक सेलमेट था हरिहरन और दूसरा सेलमेट विनोद प्रताप। ये हरिहरन ही अब हरी चोपड़ा है और विनोद प्रताप अब विनोद मल्होत्रा है सर।
जेल के पंछी। इस वक्त हमारी मुर्गी मुंबई मीडिया टीवी चैनल के घोंसले में है। गुड सर, सर 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 क्या हुआ? मुंबई मीडिया टीवी चैनल की बिल्डिंग 19 फ्लोर्स की है, वहाँ कम से कम 1000 से ज्यादा लोग होंगे। इस वक्त हमारे पास उतनी फोर्स नहीं है सर, अगर इतनी ही फोर्स लेके गए तो हमारे कई लोग घायल हो सकते हैं सर। இப்போ என்ன பண்ணலாம்? பெரிய டீம் வேணும் சார், இல்லைன்னா அந்த சான்ஸ் நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம். இன்னைக்கு March 12th சார், இந்த தடவை விட்டா நமக்கு ரொம்ப அசிங்கமாயிடும். कमिश्नर आदित्य अरुणाचलम, मुंबई पुलिस। मरा माच आज, मरा माच है ना? इसी दिन तो मुझे मारने वाला था ना? इसी जगह मैं तुझे मारूंगा। सोचा था मैं फिर से फरार हो जाऊं, लेकिन तुझे जिंदा छोड़कर जाने का मन नहीं किया। हे अरुणाचलम, पुलिस वालों को मारने के बजाय उनके परिवार वालों को मारो तो पागल हो जाते। तो खुद को देख लेना, तेरी बेटी के मरने के बाद तू पागल नहीं हो गया? वैसे ही हम पर जितने बच्चे बूढ़े औरतें उन सबको मार दिया तो टेलीफोन पे एक फोटो भेजा है, देख ले। आना मुंबई पुलिस, तेरे अलावा एक भी गाड़ी या एक्स्ट्रा दिखाई देना तो यहां सबको मार दूंगा।
अगर तू इनको बचाना चाहता है तो अकेले यहां पर आ, मुझे सिर्फ तेरी मौत से मतलब है। आ जाऊं मैं, आ रहा हूं। ये बोल है सबको जाने दे, उनको कुछ मत करना, मेरे साथ कर जो करना है उनको छोड़ दे। ये देख, तेरी बेटी कैसे मरी थी याद है ना? दो घंटे मरेगी मरेगी ये सोच, दर्दनाक मौत। पीछे दर्द हो रहा, उसी तरह तू भी मरेगा। तुझे भी इतनी आसानी से ऊपर जाने नहीं दूंगा। कम ऑन, आ जा। Thank you.
तेरे बेटे को मारा इसलिए तूने मेरी बेटी को मार दिया, लेकिन मेरी बेटी एक अच्छी इंसान थी। நம்பல பேரு உன்னோட பேட்டைக்கு நான் தாண்ட ராடு ரகட விட்டாக்கரு எல்லாமே சின்னக்கா வந்தாக்கா சீக்கணக்குருமே நிறுத்த பார்த்தாக்கா நிறுக்கணக்கரும் தொடாது அடிச்சா என்னாவ தண்டானக்குருமே நெருப்பு பேரோடு நீ கொடுத்த ஸ்டாரோடு இன்னைக்கும் ராஜா நான் கேட்டுப்பாரு கருப்பு தோளோடு சிங்கம் வரும் சீனோடு இனிமேல் வந்து நின் அதர்பாரு பொன்னோட்ட கேங்கு நான் தாண்டா லீடு வில்லா என் வரலாறு பார்த்தவன் நம்பல பேரு பொன்னோட்ட பேட்டைக்கு நான் தாண்டா ராடு உனக்கு இருந்த ஸ்டைலோ ஸ்டைலு பார்வை தெரிக்குதுன்னா பிசிலோ பிசிலு நம்பு மனசு இருந்த ஸ்டைலோ ஸ்டைலு வேகம் பிரிக்குதுன்னா புயலோ புயலு இரும்பு சொகமா கைய கட்டி உக்காந்தா உடஞ்சி துரும்பா சில்லு சில்லா கொட்டும் பார் உழப்ப மதிச்சு கால் எடுத்து வச்சாலே இளம முழுசா உங்கூடவே ஒட்டும் பார் ரகட விட்டாக்காக்கு எல்லாமே சின்னக்கா வந்தாக்கா சீக்கணக்குருமே நிறுத்த பார்த்தாக்கா நிறுக்கணக்கரும் தொடாது அடிச்சா என்னாவ தண்டானக்குருமே நெருப்பு பேரோடு நீ கொடுத்த ஸ்டாரோடு இன்னைக்கும் ராஜா நான் கேட்டுப்பாரு கருப்பு தோளோடு சிங்கமரும் சீனோடு இடமே பத்திக்கும் அந்த மாதிரி சும்மா கிழி நான் தாண்டா இனிமேல் வந்து நின் அதர்பாரு என் வரலாறு பார்த்தவன் நான் பல பேர் சகல சாப்பிடல நம்ம அண்ணாத்த அவன் லிமிட்டாளரும் வந்து கடை போடாத ஒரு விட்ட தவில் அவன் தமிழ் நீ என்ன அண்ணன் கொல்ல போராட்ட நீ ரயில் ஓட்டாத நெருப்பு பேரோடு நம்ம அண்ணாத்த நீ கொடுத்த ஸ்டாரோடு போடாத இன்னைக்கும் ராஜண்ணா நெருப்பு பேரோடு நீ கொடுத்த ஸ்டாரோடு இன்னைக்கும் ராஜா நான் கேட்டுப்பாரு கருப்பு தோளோடு சிங்க வரும் சீனோடு இளமே பத்திக்கும் அந்த மாறிட்ட சும்மா கீழே